Subscribe to my channel Shysters. It's free to subscribe and also press the bell icon so you will never miss out my any video. Bye, stay blessed. Hey guys, hi, welcome back to my channel Shysters. और मैं हूँ साइमा. So आज की वीडियो में मैं दो मेकअप रिमूवर का कंपैरिजन वीडियो करूंगी. बिकॉज इनका रिव्यू करना कंपैरिजन वीडियो करना बनता भी है एंड आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि आप इसका कंपैरिजन वीडियो करके दिखाओ. तो मैंने सोचा व्हाई नॉट ट्राई किया जाए कि क्या कौन सा मेकअप रिमूवर अच्छा है, कौन सा खराब है, या दोनों ही अच्छे हैं, या जो भी सारी यू नो ब्ला ब्ला वाली चीजें. तो जिनकी बात मैं आज कर रही हूँ वो ये दो है. आप कहेंगे वाह ये तो दोनों एक ही है. ये दोनों एक नहीं है, ये बिल्कुल अलग है. पैकेजिंग में सेम है. जैसे हम मेडिसिन में कहते हैं ना, हमारी मेडिसिन होती है हमारे लाइन में, तो हम कहते हैं लुक अलाइक. तो ये लुक अलाइक दिख रहे हैं बट ये लुक अलाइक साउंड अलाइक नहीं है, बिल्कुल अलग अलग साउंड्स करते हैं. ये एडीएस का मेकअप रिमूवर है, ये मेबलिन का मेकअप रिमूवर है. दोनों की पैकेजिंग बिल्कुल सिमिलर है. तो आज मैं इन दोनों के बारे में कंप्लीट इन डेप्थ रिव्यू भी करूंगी एंड डेमो भी दिखाऊंगी विच वन इज बेस्ट मेकअप रिमूव करके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आ जाए, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले रेड कलर के बटन को, वो बिल्कुल 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 फ्री है. इस वीडियो को लाइक कर ले, लाइक वाले बटन को दबा के, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड सोशल वेबसाइट्स पे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड यस, आप मुझे मेरे सोशल वेबसाइट पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात करूंगी इस एडीएस के मेकअप रिमूवर की. इसका प्राइस 120 रुपीज है एंड मैं बात करती हूँ मेबलिन वाले की, तो मेबलिन वाले का प्राइस 300 रुपीज है, बट मेरे को ये 260 रुपीज में ऑनलाइन मिल गया था. एंड मुझे 120 रुपीज का एक वेबसाइट है कफ एंड लैशेस करके, एंड उनका इंस्टा स्टोर भी है, ठीक है, तो उससे मिल गया था. मैं उस सब सारी चीजों मेंशन नीचे कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसका लिंक एंड इंस्टा स्टोर का नाम भी सब कुछ, ताकि आप इजीली इसको पा सके, ले सके, ठीक है. तो हम बात करते हैं इन दोनों की. तो सबसे पहले इनके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 120 रुपीज. मे बी अप एंड डाउन हो सकता है, 150 से लेके आपको 100 में भी मिल सकता है इजिली, बट इसका प्राइस फिक्स है 300 रुपीज. बट आपको ये कम में मिल सकता है ऑनलाइन अगर आप ट्राई करें तो, एंड बाहर से लेंगे तो आपको ये 300 का ही मिलेगा, ठीक है. मैंने ऑनलाइन लिया तो मुझे 260 रुपीज का पड़ा. बात करें पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग एकदम डिट्टो सेम है. डिट्टो मतलब आपको स्लाइटली डिफरेंस दिखेगा, बट अगर आप दूर से देखें तो आप नहीं पहचान सकते, ठीक है. डिफरेंस क्या है इसमें, आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये मेबलिन लिखा है, और यहाँ जो दिख रहा है न्यू फ्यूजन लिखा है. सेकंड यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको लिखा है न्यू एक्सप्रेस टोटल क्लीनअप, यहाँ पे देखें तो लिखा है एडीएस सिटी रेस्क्यू टोटल क्लीनअप. इसका ये राउंड बड़ा है, इसका राउंड ये छोटा है. नेक्स्ट हम नीचे बात करें तो यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस आई एंड लिप मेकअप रिमूवर, यहाँ पे सिर्फ सिंपल मेकअप रिमूवर लिखा है. इसमें आपको इंग्लिश के साथ उर्दू में भी लिखा हुआ है, बट इसमें टोटली इंग्लिश में आपको लिखा है, ठीक है. अब बैक साइड पैकेजिंग की बात करते हैं, तो बैक साइड पे अगेन यहाँ मेबलिन लिखा है, यहाँ एडीएस लिखा है, लेकिन इसने कॉपी तो किया है बट फेक नहीं है ये, ठीक है, ये कह सकते हैं. यहाँ पे आपको सारी चीजें मेंशन की गई हैं. इसमें आपको बताया गया है कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है, क्या सीक्रेट है, फास्ट एक्टिंग डिसॉल्विंग एजेंट है इसके अंदर जो कि बहुत जल्दी आपके मेकअप को यू नो ब्रेक करके रिमूव कर देता है, एंड ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन है. रिजल्ट क्या है, रिजल्ट में आप इसमें लिड्स के ऊपर से क्लीन कर सकते हो आपका मेकअप, लिड, लैशेज, आईब्रोज, लिप्स एंड जितने भी आपके टोटल वाटरप्रूफ मेकअप है वो अच्छे से रिमूव हो जाते हैं. नेक्स्ट इधर यहाँ पे मेंशन है कि ये मेड इन चाइना है, आपको 70 ml मिल रहा है मेबलिन के अंदर, एंड बारकोड है ये, ठीक है. इतनी सारी चीजें इसके अंदर आपको दी गई हैं, एंड यहाँ पे एक स्टिकर है जिसमें आपको इसकी एक्सपायरी डेट मिल रही है, बैच नंबर एंड ऑल सारी चीजें. प्राइसिंग 36 मंथ आप इसे यूज कर सकते हैं. अब बात करें हम एडीएस की, तो एडीएस में आपको बहुत वाइट नॉर्मल एकदम ट्रांसपेरेंट, इवन आपको आइडेंटिफाई करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत स्मॉल लेटर्स में लिखा है. बस यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि एक्चुअली है क्या डुअल लेयर. मैंने इसका एक पूरा फुल सेपरेट रिव्यू वीडियो भी कर रखा है, उसका लिंक यहाँ आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जरूर चेक कर लें इसका इन डेप्थ रिव्यू, ठीक है. तो इसमें यहाँ पे आपको यूसेज दिया है सेम मेबलिन जैसा कि शेक वेल बिफोर, ऐसे ऐसे करके आपको यूज करना है टू फेसेस में, कॉटन स्वैब या कॉटन पैड भी इजिली लगा के रिमूव करना है. इसमें भी ये बताया गया कि आपके अच्छे से आईलिड, आईब्रोज का मेकअप, आईलिड का मेकअप अच्छे से रिमूव, यहाँ इंडिग्रेंट्स मेंशन किए गए हैं एंड मेबलिन वाले में भी इंडिग्रेंट्स मेंशन किए हैं. मैंने दोनों के इंडिग्रेंट्स पढ़े, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के इंडिग्रेंट्स में, बट यहाँ पे लिखा है कि इसका मटेरियल है जर्मनी का एंड ये बना है पीसीआर में, और यहाँ लिखा है कि मेबलिन वाला बना है मेड इन चाइना. एंड यहाँ पे आई थिंक एक स्टिकर था जो मुझसे रिमूव हो गया, जहाँ पे लिखा था इसकी एक्सपायरी डेट 24 मंथ्स तक आप इसे इजिली यूज कर सकते हैं जो मुझे याद है. तो 24 मंथ्स भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इसमें आपको जस्ट 65 ml मिल रहा है, इससे 5 ml कम. मेबलिन में 70 ml है, इसमें 65 ml है. आई डोंट थिंक सो कोई इश्यू बनता है इतना, ए यार 2-3 ml में कहाँ जाता है, कुछ भी नहीं जाता, ठीक है.
इससे भी मैंने यूज किया, इसको मैंने काफी आधा कर दिया है। बस मुझे ओनली डिफरेंस ये दिखा कि ये थोड़ा ब्लूइश कलर में है और ये थोड़ा व्हाइट कलर में है, बस मुझे ये। तो इसका टोटल मैंने आपको बता दिया। पैकेजिंग बिल्कुल सिमिलर है, नॉजल पैकेजिंग है बिल्कुल, ठीक है, इजिली। कंसिस्टेंसी की बात करती हूँ तो मुझे बिल्कुल सेम लगी, बिल्कुल ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं लगा। ऑयल बेस दोनों है, दोनों इजिली ऑयली, मतलब ऑयल बेस है तो इजिली आपका मेकअप रिमूव करते हैं। मैंने दोनों को ट्राई किया, तो मैंने आपको सारी चीजें की बता दी है दोनों की। तो अब चलिए बात करते हैं इनका डेमो का कि दोनों कितना अच्छा काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेबलीन से मेकअप रिमूव करके आपको दिखाऊंगी। एंड इसको, इसके लिए आपको एक कॉटन स्वैब या कॉटन पैड चाहिए। मैं कॉटन पैड यूज कर रही हूँ। आपको बहुत कम अमाउंट में 3 से 5 ड्रॉप्स चाहिए होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो एक वाटर प्रूफ जेल आईलाइनर ये लगाया हुआ है, यहाँ लिक्विड लिपस्टिक सेम मैंने यहाँ भी लगाई है। तो मैं ये वाला मेबलीन से क्लीन करूंगी। और आपको क्या करना है, तुरंत लगा के रब नहीं करना, पहले हल्का सा उस पर मसाज कर ले क्योंकि उसको डिजोल्व होने में टाइम लगेगा। उसके बाद आप उसे सर्कुलर मोशन में या जिस मोशन में आप चाहते हैं उसमें इजिली रिमूव कर दें। तो ये मेबलीन का है और आप देख सकते हो कि इसने कितनी इजिली मेकअप को रिमूव कर दिया है और बिल्कुल ड्राई नहीं होता, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा। जो ड्राई स्किन वाले हैं उनके लिए तो काफी अच्छा है, सेंसिटिव वाले स्किन वाले भी बहुत इजिली से यूज कर सकते हैं, यू कैन सी। अब नेक्स्ट मैं यूज करूंगी ये एडीएस वाला, उसके लिए भी सेम मैं कॉटन पैड यूज कर रही हूँ। और आपको अगेन थोड़ा सा अमाउंट चाहिए, बहुत ही लेस, लाइक 5 to 6 ड्रॉप्स, इससे ज्यादा भी नहीं। एंड उसके बाद आपको अगेन उस पर लगाना है रैप करके और उसको 2 से 3 सेकंड के लिए छोड़ देना है ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए और मेकअप अच्छे से क्लीन होने के लिए निकल जाए। और आपको उसके बाद सर्कुलर मोशन या जिस मोशन में आप में चाहते हैं। मुझे ऐसा सच बताऊं तो कोई डिफरेंस नहीं लगा, जितना टाइम मेबलीन रिमूव करने में लगाता है उतना टाइम ये भी लगाता है, उसी तरीके से मेकअप रिमूव करता है। एक फॉर्मुला वाइज बिल्कुल सिमिलर है, यू कैन सी। उसने भी बिल्कुल इजिली क्लीन कर दिया, इसने भी, और ये भी बिल्कुल ग्रीसी नहीं है, बिल्कुल ड्राई नहीं है। सो गर्ल्स, ये था कंपैरिजन वीडियो मेबलीन मेकअप रिमूवर के ऊपर एंड एडीएस मेकअप रिमूवर के ऊपर। आई होप आपको ये कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। एंड अगर मैं इनको रेटिंग देती हूँ तो मैं इसको 5 में से 4.5 दूंगी, एंड इसको रेटिंग देती हूँ 5 में से तो मैं इसको 4.7 दूंगी। बिकॉज इसका जो प्राइस है इसके आधे से भी कम है, उसके लिए अफोर्डेबल है, आप अच्छे से इजिली इसे परचेज कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। एंड इसका काम बिल्कुल डिटो सेम है, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, सेम क्वांटिटी, इसलिए मैं इसे 0.2 एक्स्ट्रा दे रही हूँ, ठीक है। बाकी मुझे दोनों ही बहुत पसंद है, दोनों ही मेरे फेवरेट है, मैं दोनों यूज करती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं दोनों। एंड डेफिनेटली मैं इसे और आगे ट्राई करूंगी बिकॉज ये मोर अफोर्डेबल है इससे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप और किसी का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं वो भी जरूर करके दिखाऊंगी।